morning and a happy Mother's Day to all the mothers who are watching this video. Thank you so much for watching. जैसे कि आज मदर्स डे है, सो आई एम डूइंग अ व्लॉग ऑफ मदर्स डे कि पेंडेमिक में भी हम लोग घर में कैसे सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे को. एंड रात को 12 बजे तो हम लोग कार्ड्स बना रहे थे, मैं और मेरा भाई, तो वो कार्ड्स हमने बनाए और 12:30 बजे हमारा कार्ड्स बनाना ख़त्म हुआ. एंड देन मैंने मम्मी को दिया एंड उसके बाद हम 1 बजे सोए थे रात को. फिर तो मैंने वो सब शूट नहीं किया है, बट यस हमने मम्मी को कार्ड दिया था. एंड अब सुबह की 1 बजी है, दोपहर बज गई हो गई है, 1 बज गई है. हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड आज हम लोग बनाने हैं दोपहर को चिकन बिरयानी, विच इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट. एंड आई एम गोइंग मेक अ केक फॉर माय मम्मी. तो अभी जैसे कि मैं नहाकर निकली हूँ, सो मैं अपनी मम्मी के लिए केक बनाने जा रही हूँ. सो लेट मी शो यू व्हाट टाइप ऑफ केक डू वी मेक. आई एम प्लानिंग टू मेक अ रसमलाई केक, बट आई डोंट नो वो बनेगा कि नहीं. सो लेट्स फर्स्ट मेक द स्पंज केक. सो गाइज, स्पंज केक बनाने से पहले मैं आपको अपनी मम्मा से तो मिलवा लूँ. सो गाइज, शी इज माय मम्मा एंड इनको हमने ये दो कार्ड्स दिए थे. द फर्स्ट वन इज दिस, ये मैंने दिया है. एंड ये सेकेंड वाला है, ये मेरे भाई ने, प्रथमेश ने दिया है. सो इसका तो व्हाट टू से. एंड ये है मेरा, इट्स जस्ट ओपन्स लाइक दिस. सो ये कार्ड्स की फुटेज तो मैं बाद में डाल दूंगी. आई जस्ट वॉन्टेड यू गाइस टू मीट माय मम्मा. आज इनका स्पेशल डे है. सो यस, आज दोपहर को तो यही खाना बनाएंगी, बट देन रात को इनके लिए मैं स्पेशल खाना बनाऊंगी और एक केक भी हम बनाएंगे. सो अभी तो हम केक बनाते हैं, चलिए. सो गाइस, नाउ आई एम इन माय किचन, गोइंग टू बेक अ मेगा केक. इन दिस फर्स्ट सबसे पहले तो बेक उसका बैटर. इन दिस कप्स आउट एक्चुअली मैं भूल गई शायद पहले निकालना. आई एम सॉरी, आपको शायद दिख नहीं रहा. यस नाउ इट्स विजिबल. सो मुझे लेना है 3/4 कप ऑयल. मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपनी रेसिपी को नोट डाउन कर लिया है. सो हम ले लेंगे इसमें 3/4 कप ऑयल. मेरे पास तो पाउडर शुगर भी नहीं है, मुझे वो भी बनानी पड़ेगी. आई आस्क माय मम्मा टू डू दैट एक्चुअली. एंड यहाँ पर मैंने ऑयल तो डाल दिया है. अब मैं पता क्या कर रही हूँ, अब मुझे लेना है 1/2 कप मिल्क. सो ये है मेरा 1/2 कप एंड मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क. ये थोड़ा वार्म मिल्क है. एंड इसमें मैं डाल रही हूँ फ्यू सेंस ऑफ केसर, सो दैट वी कैन गेट दैट रसमलाई कलर, दैट फ्लेवर, वो सब इससे ही आएगा. इसलिए हमको केसर का बेसिकली फ्लेवर, उसका कलर चाहिए केक के लिए. सो दैट्स व्हाई. सो गाइस, मेरी प्यारी मम्मी ने मुझे शुगर का पाउडर करके दे दिया. सो नाउ आई एम एडिंग शुगर. एंड शुगर के बाद घर का दही लेना है हमको. मन का दही डालनी पड़ती है. एंड दही में हमें डालना है 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा. सो 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा टू दिस दही. एंड इसको थोड़ा सा मिला लेंगे. एंड नाउ यू सी द मैजिक. So now let's see how it looks. You take सो
सो गाइस मेरा केक बेक हो रहा है एंड अभी मैं खा रही हूँ अपनी डिलीशियस बिरयानी. वुड यू लाइक टू टेक वन बाइट? मम्मी ने बनाई है. एंड यहाँ पर है आप सबका क्यूटी पाई प्रथमेश. सो लेट्स एंजॉय. सो गाइस हमने हमारा लंच कर लिया है एंड अब मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई थोड़ा रेस्ट लेंगे देन यू नो आफ्टरनून नैप यू से. एंड मैं बनाने वाली हूँ रात के डिनर के लिए एक डिलीशियस मील बनाने वाली. मैं गार्लिक ब्रेड बनाने वाली हूँ. सो मुझे उसका आटा गूंदना है. सो अभी मैं वो करूँगी एंड देन मैं भी रेस्ट लेने चली जाऊँगी. सो कम ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड. गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गाइस. मैंने अपना केक बना लिया मीन्स जो स्पॉन्ज मैंने बना लिया एंड अभी इवनिंग हो गई है. मेरी मम्मी अभी तक आफ्टरनून नैप पर है. इवनिंग इतना खास कुछ नहीं हुआ है, 5 o'clock जितनी हुई है. सो मैंने अपना स्पॉन्ज केक बना लिया और मैं उसको थोड़ा सा टेस्ट किया है ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार था. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, उल्टी जैसा आ रहा था, बहुत गंदा बना, ऊपर से टूट भी रहा है. इट वॉज जस्ट अ डिजास्टर हाउ टू क्लियर इट आई डोंट नो. बट देन ऑल्सो मैंने व्हिपिंग क्रीम एंड रसमलाई मंगवाई है. मेरे पापा जा रहे हैं अभी रसमलाई लेने. सीसी जा रहे जल्दी जल्द. नहीं 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 गए अभी तक, ये उधर ही है अभी. सो मैं रसमलाई मंगवाई है पापा से दैट ही शुड ब्रिंग इट फॉर मी ताकि मैं केक के ऊपर उसको लगा सकूं. एंड अभी तो जैसे लॉकडाउन है तो स्वीट शॉप सब बंद है. सो ही इज स्ट्रगलिंग कहाँ से मैं रसमलाई लेकर आऊँ. सो दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम. एंड वो केक इतना गंदा बना, इतना गंदा बना है. मुझे ऐसा लग रहा है आई शुड हैव मेड अ चॉकलेट केक, दैट वुड हैव बीन मच बेटर. सो नो प्रॉब्लम. एंड मैंने क्या किया, गार्लिक ब्रेड का आटा भी जैसे तैसे गूंद दिया. जो मैंने सेकेंड टाइम यूज की थी वो भी ठीक ठाक हुई थी. एंड मैंने मम्मा के लिए, मैंने कल मम्मा से पूछा था कि आपको क्या चाहिए, क्या मैं बेक करूँ, तो शी टोल्ड उनको मेरे हाथ के कोकोनट कुकीज़ बहुत पसंद है. सो शी टोल्ड कि मेरे लिए कोकोनट कुकीज़ बनाना. पहले तो मैं सुबह से सोचा था नहीं बनाऊँगी, आई जस्ट मेक दी केक. बट अभी मैंने सोचा कि चलो बना लेते बिकॉज केक इतना अच्छा नहीं बना है ना. सो मैंने फटाफट से थोड़े से कोकोनट कुकीज़ बना दिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ. एंड वो तो मेरे हर बार अच्छे बनते थे, आई एम हैप्पी कि वो अच्छे बने. बट मेरा मूड बहुत ऑफ है, मेरा केक बहुत बेकार बना है. आई होप सो गार्लिक ब्रेड अच्छी बने, वरना इट विल बी अ टोटल डिजास्टर. एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग हम लोग थोड़े रेडी हो जाए, लाइक यू नो लॉकडाउन में घर बैठे बैठे हम लोग इतना बोर हो गए. यू नो आई फॉरगॉट कि मेकअप कैसे करते हैं. दो दिन पहले मुझे मेकअप करना था, आई लिटरली फॉरगॉट कि भाई मेकअप कैसे होता है. एंड मैंने आई लाइनर तो ऐसा लगा दिया था, इट वॉज जस्ट लुकिंग डेंजरस. सो यस मैंने सोचा है कि मैं मामा को भी बोलूँगी लेट्स गेट रेडी एंड देन कट द केक. सो लेट्स सी व्हाट शी रिप्लाइज. गाइस डोंट गेट बोर्ड इन दिस वीडियो, आई एम न्यू इन मेकिंग व्लॉग्स सो इट विल टेक टाइम टू बी गुड. आई एम स्टिल अज्यूमिंग हाउ इज दिस केक मेड, कितना गंदा लग रहा है. आई कट द टॉपमोस्ट लेयर और वो इतना ज़्यादा पतला है, व्हाट टू से. लेट्स सी ये तो इतना पतला है, ऊपर से टूट भी गया है. सो आई एम जस्ट थिंकिंग मैं इसको बीच में से कट कैसे करूँगी.
लेट्स सी व्हाट टू डू। सो गाइस अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ केक की लहरिंग। मेरा केक जैसे तैसे कट गया है। ये है मेरी रसमलाई व्हिपिंग क्रीम और ये है मेरी पैकेट वाली रसमलाई एंड हियर आर माय कुकीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैंने पूरा केक रेडी कर दिया, उसको आइस कर दिया, साथ में कुकीज़ रख दी है। मैंने रोज़ पेटल्स और पिस्ता लगाया है एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं ऊपर मोम भी लिखूँ सुपर, वरना अच्छा नहीं हुआ है, बट इट्स ओके। सो गाइस माय केक इज़ रेडी एंड नाउ आर यू जस्ट सीइंग मैं सुबह से कितनी गंदी लगी हूँ। सो नाउ इट्स टर्न फॉर मी टू गेट रेडी। सो माय केक इज़ ऑल डन। मेरा गार्लिक ब्रेड का आटा भी रेडी है एंड जो मैंने एक सरप्राइज़ खरीदा अपनी मम्मी के लिए, बहुत छोटू सा है एंड उसके अलावा हम मम्मा को टियारा पहनाने वाले हैं। ऑल ऑफ द सरप्राइजेज फॉर मम्मा। सो अभी हम वो करेंगे, फिर से पहले हम लोग तैयार करें। फर्स्ट वी आर डूइंग द केक कटिंग एंड उसके बाद हम लोग सोचे कि डिनर करें सो दैट हम आराम से केक कटिंग रेडी होके कर लें एंड देन डिनर कर लें। सो आई नाउ मीट यू आफ्टर आई गेट रेडी। एंड सो गाइस केक कटने के बाद हमने थोड़ा फोटो सेशन किया एंड नाउ आई एम इन द किचन मेकिंग गार्लिक ब्रेड। दिस इज लुकिंग लाइक अ होल मेस एंड दो हमारी ऑलरेडी माइक्रोवेव के अंदर है एंड ये दो यहाँ है एंड हमने चिकन गार्लिक ब्रेड बनाई है फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। सो गाइस अब हमारा डिनर हो गया है एंड नाउ आई विल बी एंडिंग दिस व्लॉग। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन ऑल द मॉम्स हैप्पी मदर्स डे एंड होप यू एंड योर मॉम्स ऑल्सो एंजॉयड दिस डे। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।